अग्गे जवाब जवाब इन्हें देना अस गल हों ना चाहे जवाब तुझे देना होंगे मी समझ नहीं लगती अस इले तो साल हो पता लगता चेयरमैन साहब मेरे को ये बताओ क्या मैं आपके पास आया क्या मैंने आपको बोला कि इसकी दुकान बनाने दो मैंने पहले जाके चिट्ठी दी परमिशन के लिए एप्लीकेशन दी उसके बाद आपने बोला काम लगाओ सुनिए उसके बाद आपने बोला काम लगाओ आप सुन ली हाँ बताओ मैंने बोला आप लोगों ने मिलके बनवाई है आप लोगों ने सब कुछ मिलके बनाया है मैं नहीं बोलो जिम्मेवारी इस कुर्सी की है इस कुर्सी की जिम्मेवारी नहीं है बाजार की उस कुर्सी की है और इस कुर्सी की है हमने अभी अभी उगला कहाँ है अभी तो आपको बताया अभी उगलना है आने वाले आपको बताएंगे आपकी कुर्सी हिला के रख देंगे अगर ऐसा काम करोगे तो आपकी कुर्सी हिला के रख देंगे बीस साल बाद आप इधर नजर नहीं आओगे आप इधर नजर नहीं आओगे बीस साल के बाद ये भी बता देता हूँ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को मिलकर मिलकर पैसा खा रहे हो आप खा रहे हो आप दे रहे हो जो लोग दे रहे हो आप करवा रहे हो उनके काम है आप लोग काम करवा रहे हो उनके कितने फ्लोर की बिल्डिंग रियासी में पास होती है ये बताओ पहले आपको नॉलेज है वो टूटेगी आपको नॉलेज है रियासी में कितने फ्लोर की बनती है तुझे लोगों की तुझे लोगों की शर्मानी चाहिए आता तुझे बनाई कुर्सी पर चेयरमैन बैठे थे बिल्डिंग ऐसे बनवाई ये हमारी लोग नहीं लगे जाले टी नहीं लगे तो दिया टीले बाहर हमने दिखाया मैं फोटो करप्शन करा दा पैसे खाइए लोगों की बिल्डिंग बना दा मैं साफ मीडिया की भी सुनाना कि इयो रियासी जेड़ा है लोगों को पैसे खा दा खिलाफ वर्जी लोगों को पैसे खा दा जे ले ले इन्हें या कोई लीगल कंस्ट्रक्शन चला रही है उते झूठा नोटिस कर दे 15-15 दिन का गैप पांदे उन्हें नोटिस है बेच 15 दिन दे बाद वो नोटिस कर देन साढ़े एक कौंसलर ने शिकायत की थी भाई फलाने बार ची लीगल कंस्ट्रक्शन चला रही है 15 दिन बाद इयो ही पता चलता है 15 दिन बाद खिलाफ वर्जी नोटिस लिखता है 15 दिन का गैप पाई है इयो नोटिस करता है ओले बाद जिला से इधर दफ्तर में कुर्सी वाले पूछने कुर्सी वाले आदे अस लोकल लोग आसे लो, नोटिस नहीं कटना कुछ भी पूरे शहर के लोग आखते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी में जिन्हें कौंसलर बनाए दे सारे दे सारे नलायक बनाए दे एक भी कौंसलर जेड़ा म्यूनसिपलिटी का बोलता नहीं है उधर ते ए इथे पीछे साडा खिलाफवर्जी भी आ रहा है रेडियां इलीगल लगी दियां ओदे बारे कुछ नहीं बोलते सिर्फ जेड़ा गरीब आदमी कंस्ट्रक्शन करता है गरीब आदमी दा ए कढ़ाई बेलचा चुकदे उसी दाणा मारदे ते ली आंदे कमर्शियल बिल्डिंगा किनियां शामी करना एक साल हो गया म्यूनसिपलिटी बने दे एक साल दसन जेड़े लोग चेहरे पर बैठे हैं इन्हें किन्ना विकास कराया और किन्नी डेवलपमेंट कराई है शहर के अंदर तो देखो किन्नी गंदगी है अज का कूड़े के ढेर लगे दिन कोई जमीन नहीं मुहैया कराई गए और कोई भी सफाई की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा ये लोग टोटली फेलियर जेसीबी म्यूनसिपलिटी की आई दी है और जेड़े सारे नाले साड़ी बाड़े दे लोगों ने कार पानी जा करता चेयरमैन वाइस चेयरमैन इयो खिलाफ अजी इधर तक कोई आदमी अले तक एक साल हो गया इधर फर्ज बनता है कि बाड़े में चाहिए बिजट किता जा और लोगों की मुश्किल की दिखा जा उधर भी एक टोटली फेलियर साबित हो इसलिए आज इतनी कड़े शब्द करने म्यूनसिपलिटी की निंदा करने और म्यूनसिपल पावर कोने दे नी चेयर पर तुदे पर पावर है ना तुदे को चार्ज है ना मैं कला बंदा नहीं फाइल बंदा नहीं बंदे चाहिए थे पुलिस चाहिए थे एमसीएस को बंदा चला फिर सब छोड़ दिया सब छोड़ से नहीं आप अपना लेकर शो कर इतने इतने जेड़े एनएचपीसी पे चले गए थे उनके मकान ने केस हो ये जेड़ा गरीब आदमी होला एक केस नहीं होया कोई एनएचपीसी का ने केस नहीं होया चाचा दे फलाने दा कहू एदा केस नहीं करना पहले रिटायर होया जे पुल्ला होया इधर को दे सारे नाम दे तो सारे मिले दे हो तो पे दूध दे तो ले नहीं आओ कन्ने मिली है गरीब आदमी ने की मकाने वाले दा किने प्राइस बेचा चुके ली जाते की नहीं चुके तुसे उन नाले दा तो छह साल है जेका मेरा एक एक दो साल बाद ना तो सबसे गिरे पैसे खा लो
अपनी दुकान उपरू सारा बेल्डिंग का समान लिया सारा बेल्डिंग का समान अपनी दुकान उपरू लिया 5 किलो की चीज 10 किलो लिखिए भेजनी लाने नहीं चाले जल्द चाले लाने ओले बनाओ पहले 6-6 महीने पहले जाले बनाइए रखने जवाब मंगने कि जेड़े भी तुसे अपने लेवल उपर बाड़े विच काम कराए ओदे असें दिते जान भाई किन्ने किन्ने पैसे लवाए लगनी असें कुसे ने नहीं पुछया 20 लाख दी टाइम किन्या लगनी किन्या नहीं लगनी अगर आपको उस लड़े तुसे नहीं पुछना इत्थे उस विच पास नहीं करना ते एदे कोलों अच्छा कि मीटिंग तुस नहीं पहले मिनट्स ऑफ मीटिंग ऐसे लगे थे इन पेजेस में ये उतार के उतार के दूसरा लगाया गया ये वही है वही है वही है हम शायद हर मीटिंग में आ रहे हैं और देखते हैं ये देखो ये नहीं होती है मैडम 20 लाख की टाइल लग रही है बस स्टैंड पे आपसे कभी पूछा गया कि 20 लाख की टाइल लगानी है बस स्टैंड पे चीज है लेकिन जेडे भी फैसले होंगे कौन से चली है फैसले होंगे इयो बैठ चंद चहीते लोग बैठते हैं तो फैसले हो जाते कुछ कौंसलर ही नहीं पूछा जाता जेड़ा कौंसलर बोलता ओदे घर लामा पुजी जाता भाई तुस साडे खिलाफ की बोलते इस करके अद्धे कौंसलर साइलेंट तां बैठे दे क्योंकि सारे दे अंदर रोश है ए नहीं है कि साडे अंदर रोश है रोश सारे कौंसलर्स दे अंदर है लेकिन वो कौंसलर जेड़े नहीं बोला दे वो तां नहीं बोला दे जेड़ा वो बोलदे उन्हें जेड़ा पार्टी दी मीटिंग विच लतार दे भाई तुस की बोलदे वो अपने हक लई भी नहीं बोलन अपने राइट लई भी नहीं बोलन वो ये भी नहीं बोलन भाई मेरे वार्ड विच इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही मेरे वार्ड विच सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे मेरे वार्ड विच लाइट खराब है अगर वो ये चीजा भी नहीं बोलन तो वो घर बैठे थे खरे ये हुई पहली मीटिंग जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 काउंसलर्स के साइन है दूसरी मीटिंग हुई 21 को जिसमें भी साइन हुए हैं आज हमारी मीटिंग म्युनिसिपल कमेटी ऑफिस में थी रियासी में तो मीटिंग के दौरान जब हमने पूछा कि पहले कि ईओ साहब क्यों नहीं है मीटिंग में तो हमें बताया गया कि ईओ साहब जो हैं आज जम्मू गए हैं डायरेक्टर ऑफिस में उनकी मीटिंग थी उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हम म्युनिसिपल कमेटी में कोई काम बताते हैं ईओ साहब को या चेयरमैन को जो वाइस चेयरमैन को तो 2-2 महीने हो जाते हैं वो काम बताए हुए लेकिन हमारे साथ पूरी तरह से ये पार्शियलिटी करते हैं ना कोई काम करते हैं और जब इनसे कोई सवाल मीटिंग के दौरान पूछा जाता है तो उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होता है जैसे कि अब पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं रियासी में खुलेआम कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं इलीगल तरीके से जोरदार तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है और पिछली मीटिंग में इन्होंने एजेंडे में रखा था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन क्यों चल रही है जब हम इनसे पूछते हैं किसी भी बात पे इनका कोई आंसर नहीं आता है और चेयरमैन जो है वो इस बारे में जरूर बोलते हैं कि भाई मैं तो लोकल आदमी हूं मैं किसी के खिलाफ नोटिस नहीं निकाल सकता और ईओ रियासी जो है पैसे लेकर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करवा रहा है इलीगल रेडीज इन्होंने लगवाई हैं जोरदार तरीके से जब भी इनसे कोई काम के लिए बोलें तो ये उस काम को पूरे तरीके से करने में असफल रहते हैं।